हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 2023 के न्यू एडिशन का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जा रहा है। और यहाँ पर जो सेकेंड बुक आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही है वो है अरिहंत प्रकाशन की 2023 की न्यू एडिशन क्लास 6 की। तो यह दोनों ही बुक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक है और दोनों का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं। इस बुक का फुल सॉल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों को कराया जा चुका है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी चल रहा है आप लोगों की जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक है इसका फुल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो की है गणितीय आधारभूत संक्रियाएं, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये है इसका पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए जो लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो यहां पर देखना है कि कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि इन नंबर्स का क्या निकालना है, आपको योग निकालना बच्चों। सम नंबर, जितने भी नंबर दिए इन सबका क्या बताना है, सम। तो बताइए व्हाट इज द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो यहां पर जितने नंबर दिए इनका जो सम है वह क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए सारे नंबर्स लिखते जाइए, तो नंबर्स को नंबर्स के नीचे लिखते जाएंगे। 5005 ये हमने लिख लिया, इसके बाद सेकेंड वाला नंबर 5055 इसे भी हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए जो थर्ड वाला नंबर है, नंबर हमेशा पीछे से लिखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, कभी गलती होने का चांस नहीं है। उसके बाद फोर्थ वाला नंबर भी हम यहाँ पर 555 लिख लिया बच्चों। अब इन्हें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है, मतलब कि हमें क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए प्लस करते हैं, 5555 फोर टाइम बच्चों, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 का आएगा 0, कैरी आया 2। अब देखिए 5 है 3 टाइम तो 15 में 28 को एड कीजिए तो 17 का 7, कैरी आया 1। अब यहां देखिए 5 और 1 कितना होता है बच्चों, 6, और यहाँ 5 ट्रिपल टाइम है तो 5 3 जा कितना होता है 15, कैरी आया 1, 5 और 1 6। तो देखिए कि कौन सा करेक्ट आंसर आप लोगों को इसमें से नजर आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे बच्चों ऑप्शन में कोई सा भी आंसर आप लोगों को नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 65,670। तो ये आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से क्वेश्चन में यहाँ भी 0 है, लेकिन जो बुक है जिसमें हमने इसका सॉल्यूशन भी देखा है आप लोगों के लिए कि कैसे आंसर गलत आ रहा है, तो बुक में आंसर अलग नंबर से निकाला गया है, इसलिए आपको ऑप्शन अलग दिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही आएगा, आप परेशान ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। क्या पूछा गया है, 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो इस क्वेश्चन की है बच्चों बिल्कुल इजी ट्रिक जो कि हम करेंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 से 25 तक की संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, कहने का मतलब है अगर हम इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 सभी का मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से कहां तक नंबर लिखें, 25 तक लिखें, तो आपसे पूछा गया है कि जो आंसर आएगा उसमें जो 0 होंगे वह कितने होंगे। तो यह काफी इजी क्वेश्चन है, आपको मैं करने का तरीका बताता हूं। देखिए कहां तक की संख्याएं पूछी गई है उसे हमें देखना है, तो हमसे 25 तक की संख्याएं पूछी गई है बच्चों, अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, इसका भी रीजन है, किसी भी नंबर में, देखिए अब मैं समझाता हूं, जैसे हम लोग बात करें 1 किसी भी नंबर में अगर आपको मल्टीप्लाई करके 0 लाना है तो 5 होना जरूरी है बच्चों। जैसे कि 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, मतलब देखिए लास्ट डिजिट 0 आएगा। आप देखेंगे कि बच्चा 3 में 5 का मल्टीप्लाई करें, यहां पर देखिए 4 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20, यहां देखिए लास्ट में 0 आएगा। फिर 6 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 30, मतलब कि लास्ट में 0 आने के लिए
हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या होना जरूरी है बच्चों, 5 होना जरूरी है। 5 होगा तभी तो 0 आता है, इसीलिए यह जो क्वेश्चन है इसे जो ट्रिक है इसे 5 से डिवाइड करना है। देखिए कैसे, 5 के कारण इस 5 को हम लोग यहां से हटा देते हैं, इस 5 को हम लोग यहां से हटाते हैं क्वेश्चन में से। तो देखिए यही हमें करना है कि यहां पर हमारा जो नंबर है बच्चों क्या है, 25। अब 25 को ये है बच्चों ट्रिक आपको याद रखना है, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, हर क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसे आपको किससे डिवाइड करना है बच्चों, 5 से डिवाइड करना, और जब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड होता रहेगा, रिमाइंडर आपका 5 से कम ना हो जाए तब तक। देखिए 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो देखिए कितने जीरो आए, जीरो की संख्या की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कि 5 जीरो आएंगे, लेकिन अभी यह जो 5 आया है बच्चों हमारा आंसर आया, क्या यह 5 से डिविजिबल है क्या, तो यह देखना हमें। तो देखिए इस 5 में हम 5 से और डिवाइड करें तो 1 टाइम और डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक और जीरो आएगा, अभी आंसर नहीं आया था, पहले 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 टाइम कटा तो हमारा आंसर कितने जीरो आए, 5 जीरो। लेकिन अभी हमें काटते जाना है, कब तक काटना है, जब तक कि यह पूरा 5 से डिविजिबल होता है, 5 फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 टाइम हो जाता है, तो मतलब एक जीरो और आएगा। कुल मिलाकर टोटल कितने जीरो आएंगे इसमें, तो आप कहेंगे कि सर जी टोटल 6 जीरो आएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, 6 जीरो आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहां नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे समझ में आएगा तो आप इसे आसानी से और समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चों यह जो क्वेश्चन है यह 25 तक ना देकर कहां तक दिया जाता आपको, 60 तक दे दिया जाता, कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं के गुणा करने पर जो शून्यों की संख्या है वह कितनी आएगी, तब कैसे किया जाता। तो बच्चों कुछ नहीं करना था हमें, यह जो 60 था हमें मैक्सिमम नंबर लेना होता और 5 से डिवाइड करना होता है, 5 बन जा 5, इसे काटते हैं तो 5 बन जा 5, 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, ये हो गया 10, 5 2 जा 10, तो कितने जीरो, 12 जीरो। देखिए कितने जीरो यहां पर, ये 12 जीरो, तो यहां ये आ गए, ठीक है। लेकिन क्या अभी 12 5 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ है, हमारा भाग चला जाएगा। देखिए कितनी बार गया, तो आप 12 को फिर डिवाइड कीजिए, 5 से हम लोग काटेंगे तो 2 टाइम में 10, कितने टाइम कटा बच्चों, 2 टाइम में 10, तो देखिए ये जो आंसर आया कितना आया, 2 0 और आएगा। अब क्या 2 5 से डिविजिबल है क्या, तो हम कहेंगे 2 में 5 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि अब हमें और डिवाइड नहीं करना है। तो 1 से 60 तक में टोटल कितने जीरो आएंगे, तो आप कहेंगे सर जी 14 आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ये ट्रिक थी, नहीं तो मैं फॉर्मूले से भी आप लोगों को बता देता हूं। चलिए फॉर्मूले से समझ लीजिए, फॉर्मूले से भी आप लोगों को समझना है कि यह जो क्वेश्चन है कैसे किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों हमारा जो सूत्र है इसे करने का, वह सूत्र है एन अपॉन में 5, 5 से ही डिवाइड किया जाएगा, फॉर्मूला भी वही है ट्रिक के जैसा, फिर एन अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस एन अपॉन में 5 की पावर 3 प्लस, ऐसा ही नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब नीचे जो 5 की पावर है 5 की जो घात है बच्चों वो बढ़ती जाएगी, आगे एन बटा 5 की घात 4, फिर उससे आगे एन बटा 5 की घात 5, ऐसे नंबर आते जाएंगे। अब देखिए कि हमें क्या करना होता है, ये जो एन है बच्चों ये हमारा मैक्सिमम नंबर होता है, एन जो है वो क्या है हमारा मैक्सिमम नंबर होता है, और जो ये ट्रिक है मतलब ये जो फॉर्मूला बच्चों इसमें जो अंश होता है वो या तो हर से बड़ा हो या हर के बराबर हो। तो अब यहां पर 25 देखिए हम लोग रखते हैं तो 25 बटा 5 ये अंश ऊपर वाला जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, बिल्कुल सही। अब इसमें देखते हैं तो नीचे देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब ऊपर भी 25 है, या तो जो अंश है नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो या तो बराबर हो, तो यहां तक हम लिख सकते हैं। अब इससे आगे लिख सकते हैं क्या, तो देखिए नीचे आ जाएगा 125, 5 का जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आएगा 25, तो नॉमिनेटर मतलब जो अंश है वो छोटा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। कैसा होना चाहिए, या तो अंश हर से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं जीरो की संख्या कितनी आई, तो देखिए 5 बन जा 5, 5 से इसे कटेंगे कितने टाइम, 5 टाइम, प्लस 25 से 25 1 टाइम कटा, तो कुल मिलाकर टोटल कितने जीरो बच्चों, 6 जीरो। तो ये फॉर्मूले से भी किया जा सकता था और आपकी ट्रिक से भी किया जा सकता था, तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में बच्चों, किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, संख्या 5314 को 13 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोग भी कर सकते हैं। शेषफल की बात की गई है बच्चों, शेषफल निकालना है तो देखिए ये रहा हमारा नंबर और इसे डिवाइड करना हमें 13 से, तो 13 का टेबल लीजिए, या तो आपका 53 आया या 53 से कम कोई नंबर आया, तो 13 का टेबल आप 4 टाइम लेंगे तो आप कहेंगे सर जी 52 आ रहा है, क्या आ रहा है 52 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस करते हैं, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, इधर देखिए 5 में से 5 गया कुछ नहीं, अब ये 1 नीचे आएगा बच्चों, तो देखिए क्या 13 के टेबल में 11 आता है क्या, नहीं, भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं होता है, तो भागनाथ से की शून्य, क्या आता है 1 एक बार 0 आता है, फिर यह 4 नीचे आएगा। अब 13 का टेबल लीजिए तो आप कहेंगे कि सर जी 8 टाइम में 104 आता है 13 के टेबल में, क्योंकि 9 टाइम में तो 117 ज्यादा हो जाता है। आप देखिए माइनस कीजिए तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, इधर कुछ भी नहीं, तो जो रिमाइंडर है शेषफल है बच्चों, यही तो आप लोगों से पूछा गया था, तो देखिए शेषफल कितना बचा इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या है बच्चों, आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 10 बचा है शेषफल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है यदि इस संख्या को 765 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए बच्चों, तो भागफल और शेषफल क्या बचेगा। पहले भागफल बताना है फिर शेषफल, तो भागफल और शेषफल क्या बचेगा यह आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए इस नंबर को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, नंबर क्या है 765658, ये रहा आप लोगों का नंबर। अब भागफल और शेषफल दोनों पूछा गया है, डिवाइड करना है 765 से। अब आप देखिए कि 1 टाइम डिवाइड, यहां पर सिंगल डिजिट लेंगे तो इसके टेबल में 7 नहीं आता, 2 डिजिट लेंगे तो ये भी नहीं आता, 3 डिजिट 765, 1 टाइम में 765 आ रहा है तो हम कहेंगे जी हाँ 1 टाइम में 765 आ रहा है, हमने लिख लिया 765। माइनस करते हैं बच्चों, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। अब ये 7 सिंगल डिजिट नीचे आएगा, क्या 765 के टेबल में 7 आएगा क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगा, तो जब भाग नहीं जाता तो लगती है यहां भागना से की शून्य। फिर यह 6 नीचे आ जाएगा तो क्या 776 के टेबल में 76 आता है क्या, नहीं आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो भागना से की शून्य। फिर 5 नीचे आएगा तो देखिए अब इसके टेबल में ये 1 टाइम में आता है तो यहां हमने लिख दिया 765। माइनस करते हैं फिर कुछ नहीं बचा। अब 8 नीचे आएगा और क्या इसके टेबल में 8 आता है क्या, नहीं, इसके बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ेगा। तो भागफल क्या निकल कर आया, देखिए यहाँ पर जो भागफल है बच्चों वो क्या निकल कर आया, ये है हमारा भागफल, जो हमारा आंसर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, भागफल, और जो हमारा शेष बचता है रिमाइंडर होता है उसे हम कहते हैं शेषफल। तो देखिए भागफल और शेषफल क्या आ रहा है उसी के अनुसार आंसर लगाना है। तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी में हमें यह देखने को मिल रहा है, नहीं डी में नहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो आपको देखना है कि कहां देखने को मिल रहा है, यह वाला जो क्वेश्चन है बच्चों कहां देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर आप देखिए यहां पर यह देखने को मिल रहा है, यहां भाग नहीं जाता है तो भागना से की शून्य लग जाएगी, ठीक है, तो देखिए यहां भाग नहीं जा रहा है तो भागना से की क्या लगेगी बच्चों, जीरो लगेगी, क्या लगेगी, जीरो लगेगी। तो राइट आंसर कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, बताना है आप लोगों को इसमें से जो करेक्ट आंसर है इसका क्या आने वाला बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 133 तथा 80 के जो गुणनफल है, मतलब इनका जो गुणा किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से क्या घटाया जाए कि वह 10,600 हो जाए। तो काफी इजी क्वेश्चन, देखिए कैसा क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, समझा देते हैं क्वेश्चन भी क्या है। आपसे बोला गया है अगर 133 में हम 80 से गुणा करें तो जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या घटाए कि हमें यह मिल जाए। तो पहले तो देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। देखिए बच्चों अब आपको जब इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है 80 का, तो जब लास्ट में जीरो होता है तो जीरो का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, वो आंसर में लास्ट में हम लगा देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24 का 4 कैरी आए 2, 8 3 24 और 2 मिलाकर 6, 6 का 2 और सॉरी 6 और कैरी आए 2, 8 1 8 और 2 10
और ये एक जीरो जो था इसे हमने यहाँ लिख लिया। तो देखिए मल्टीप्लाई का आया 10,640, यह इसका आया है बच्चों मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, पूछा जा रहा है देखिए यहाँ पर कि इसमें से क्या घटाया जाए कि यह संख्या क्या बन जाए, 10,600 बन जाए। तो 10,640 में से किसे माइनस करने पर 10,600 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसी नंबर को इसमें से माइनस कर देते हैं। जो नंबर हमें दिया होता है उसी को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए जीरो में जीरो गया, जीरो फोर में जीरो गया तो फोर, और इधर कुछ भी नहीं बचा। तो बताइए राइट आंसर क्या आया। तो आप कहेंगे कि सर जी 40 करेक्ट आंसर आया, तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखकर आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन दिया है संख्या, ये आप लोगों के सामने एक संख्या है, इसे अगर हम 13 से डिवाइड करें तो भागफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। आंसर क्या आएगा डिवाइड करने पर, तो चलिए देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है। तो 396591 ये रहा नंबर और आपको डिवाइड करना है 13 से। तो देखिए पहले सिंगल डिजिट लेते हैं, 13 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं, 2 डिजिट लेंगे 39, तो 13 के टेबल में 3 टाइम में आता है बच्चों 39। माइनस करते हैं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। अब ये 6 नीचे आया तो 13 के टेबल में 6 आता है क्या बच्चों, आप कहेंगे नहीं सर जी 13 के टेबल में 6 नहीं आता, भाग नहीं जाता तो भागना से की शून्य। अब देखिए इसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या 13 के टेबल में 65 आता है, तो बिल्कुल 5 टाइम में 65 आता है, आप लोग टेबल लेके देख सकते हैं। 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब 9 की बारी है, 9 नीचे आया, 13 के टेबल में 9 आता है क्या, तो आप कहेंगे सर जी नहीं, जब भाग नहीं जाता तो क्या लगती है, भागना से की शून्य लगती है। अब ये जो पीछे का बन है वो भी नीचे आ जाएगा बच्चों, तो 13 के टेबल में कितने टाइम में 91 आता है, तो 7 टाइम में 91 आता है, माइनस कीजिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपसे पूछा गया है कि जो आंसर है वह क्या है, तो देखिए आंसर आप लोगों के सामने है, ये रहा 30,507 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले तो इसे समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, मतलब कि एक कार पार्किंग में कितनी पंक्तियां, 14, प्रत्येक पंक्ति में कितनी कार खड़ी है, 420 कार खड़ी है, तो कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं इस पार्किंग लॉन में, तो आपसे यह पूछा गया। तो देखिए अब यहां पर कहने का मतलब है इस तरीके से 14 पंक्तियां हैं, ऐसी जैसे ये बनी हुई है ना, ऐसी कितनी पंक्तियां बच्चों, 14 पंक्तियां हैं, इस तरीके से एक कार पार्क है उसके अंदर ऐसी। अब एक में कितनी कार पार्क हो सकती है बताइए, तो कितने के बोला गया है, तो आपसे कहा गया है कि एक में 420 कार पार्क हो सकती है। अब ऐसी कितनी है, 14 है, तो हर एक में 420 कार पार्क हो सकती है बच्चों। तो अब हमें टोटल वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कहेंगे कि एक पंक्ति में खड़ी है 420 कार, तो 14 पंक्ति में कितनी है, मतलब कि हम क्या कर ले बच्चों, मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सर जी, अब मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चा, आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 जीरो जार 0, 14 टू जार 28, के लिए आया 2, 14 फोर जार कितना होता है, 14 फोर जार 56, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 58, तो करेक्ट आंसर देखिए क्या आया, 5880 इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो इतनी कारें टोटल उस पार्क में खड़ी हो सकती है, आपको 20 तक के टेबल अच्छे से याद करना है, मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्कूल में 26 रूम है, कितने कमरे हैं बच्चों, 26 कमरे हैं, और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, कितने पौधे लगे हैं, 4 पौधे, और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कितने कप पानी सभी पौधों में डाले जाएंगे, कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि रूम्स हैं, ठीक है, एक स्कूल के अंदर कई रूम्स हैं, जैसे कितने रूम है, 26 रूम, एक रूम में कितने पौधे बच्चों, 4 पौधे, एक रूम में कितने पौधे, 4 पौधे, देखिए यहां पर एक रूम में 4 पौधे, ये समझ में आ गया आप लोगों को, एक रूम में है 4 पौधे।
तो 24/6 रूम में कितने पौधे होंगे, तो आपको देखना है टोटल प्लांट या टोटल पौधे कितने हैं अगर इसकी बात की जाए। तो देखिए एक रूम में कितने हैं 4, तो 26 में कितने होंगे 26 × 4, तो देखिए 4 × 6 = 24, कैरी आए 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, तो टोटल कितने प्लांट हो गए, कितने पौधे हो गए, 104 पौधे हो गए। अब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है बच्चों, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है, तो 104 पौधों में कितना कप पानी लगेगा आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए एक पौधे में 2 कप पानी, तो 104 पौधों में कितना पानी, तो 4 × 2 = 8, 2 × 0 = 0 और 2 × 1 = 2, तो कितने कप पानी लग रहा है, 208 कप पानी लगेगा। इसका राइट आंसर क्या है, 208 कप। तो यह होता है बच्चों आज का हमारा सेशन समाप्त, यह चैप्टर नंबर 2 फुल सॉल्व हो गया हमारा अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का, ये जो आपको फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं हम लोग क्लास 6 की, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन पूरा फुल सॉल्व हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, बात तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी बुक का सॉल्यूशन देखना है इन दोनों बुक्स के साथ, अदर जो बुक है जैसे कि किरण की बुक है, गाइडर की बुक है, उनका भी फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। क्लास 9th की क्लासेस आपके लिए अलग से होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैथ्स लैंग्वेज और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस भी अलग से चल रही है, आप उन सभी क्लासेस को देखकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर करके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको चैनल के नीचे इस वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में दिख रहा होगा, उसे आपको टच करना है। जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो वेल आइकन आएंगे, सबसे ऊपर वाली वेल जिस पर आर लिखा होगा उसे आपको प्रेस कर लेना है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको चैनल के नाम पर क्लिक करना है, जो हमारा चैनल का नाम है नवोदय ट्रिक्स गुरु जी, तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप टच कीजिए तो आप हमारी सारी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट निकल कर आएगा और आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद बच्चों।